नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नहीं रुक रहा चाइनी मांझे का कहर। बरेली के जाने माने समाज सेवी सुमित वर्मा भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यरत। समाज की सेवा करने वाले सुमित वर्मा को आज चाइना के मांझे ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा, गर्दन कटी, पूरे लहूलुहान हो गए। रास्ते से गुजर रहे परिचित व्यक्ति ने उन्हें रामपुर गार्डन स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उनकी गर्दन पर 25 टांके आए। बता दें आपको, हादसा बरेली के शामतगंज पुल पर हुआ। नगर निगम में लगाया गया लोन मेला। नगर निगम के अंतर्गत सड़क किनारे खोखा ठेला लगाने वालों को सरकार ने 1 लाख रुपए लोन के रूप में दे रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को नगर निगम में एक लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। वहां आए लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। बरेली में आपका स्वागत है, मैं शुभम चंदा। हम खड़े समय बरेली के नगर निगम कार्यालय में, जहाँ पर हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो इतने जोश में भड़क हुए हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोन के नाम पर ठगा जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट एफिडेविट लगाया जाता है, बैंक जाता है, बैंक वाले कहते हैं कि बाहर चले जाए, आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। मेरा नाम जयप्रकाश राजपूत। क्या मामला है पूरा? 2019 अगस्त के महीने में मैंने अपना फार्म भरा था। फार्म के नाम पर पहले 200 रुपये की स्लिप काटी गई, ठीक है, उसके बाद 60 रुपये फार्म भरवाने के नाम पर लिए गए, उसके बाद 3 एफिडेविट लगवाते हैं, मतलब 1200 रुपये खर्चा करा लिया गया। अक्टूबर 19 अक्टूबर को मेरे खाते के अंदर पैसे आ जाना चाहिए था, 19 अक्टूबर को मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए था। और जो 10,000 रुपये के लिए जो ये जो कौन सा रोड है, वो डेला पीर, वो ये जो दोसिया फाटक वाला रोड है, वहाँ इनका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ भी 85 चक्कर लगवा लिए, कोई फार्म नहीं दिया। वो नाम का मुझे नहीं पता, मैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ये 35A38 रामपुर बाग में मेरा पैसा डिलीवर हो गया है 19 अक्टूबर को, समझे। डिवर्स होने के बाद कोई पैसा मेरे खाते के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा। बैंक मैनेजर से बात करो, वो झाड़ देगा, क्योंकि उस समय हम इतने अच्छे कपड़े पहने नहीं होते हैं। मैं तो आज ये समझ के कपड़े इतने अच्छे पहन के आऊँ कि कोई अधिकारी मिलेगा, वरना मेरी औकात नहीं है इतने अच्छे कपड़े पहनने की। ठेला चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, आटा बेचता हूँ, मक्खियाँ भी लगती हैं मेरे ऊपर जिस समय आटा बेचता हूँ, उस समय ये बात भी करना पसंद नहीं करते। पोर्टल में डाले तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर अच्छी रिपोर्ट तक नहीं लगाई। और यहाँ के जो अधिकारी को देखना था, जो डूडा के अधिकारी हैं श्रीमान भूषण जी, उनको व्हाट्सएप पे अवगत करा चुका हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, योगी सरकार की छवि को धुमला करने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मैं ट्विटर भी चलाता हूँ, नगर विकास मंत्री जी को फॉलो करता हूँ, वो उत्तर प्रदेश को बंद नंबर का दर्जा दे रहे हैं। ये देखिए 2.5 महीना हो गया। नाम आपको? चंदा। क्या मामला है पूरा? कितना महीना हो चुका है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। बैंक में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये फर्जी काम हो रहा है। अच्छा, बैंक वाले कह रहे हैं फर्जी काम हो रहा है? हाँ। आपने बैंक में जाके बोला कि मैंने फीस दी है इसकी? बोला तो। कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ से? कार्रवाई। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? पैसे आ जाने चाहिए, और क्या चाहते हैं? क्या नाम है भैया आपका? एक बार दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए भैया, मैं साक्ष्य दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको साक्ष्य दिखा रहा हूँ आपको। जयप्रकाश मेरा नाम है, पीनी दीदी योजना से 10/8 को मेरा पैसा फार्म मैंने जमा किया, और 19/10 को मेरा पैसा मेरे खाते के अंदर आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ डिजिटल इंडिया नाम के लिए। और ये ऐप का खाता खुला हुआ है कि गूगल ऐप पे कीजिए पैसा, 1200 रुपये मिलेंगे भी। अगर मैं नेट से ऑनलाइनिंग सेवा करूँगा तो मुझे 1200 रुपये का डिस्काउंट तक मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं। किसने कहा? ये नगर विकास मंत्री जी चाहोगे भैया, लोगों का कहना है नगर विकास मंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं, आप क्या कहना चाहोगे उस पे? नहीं, मैं आप कह रहे हैं, आप बता रहा हूँ आपको, ट्वीट पे आप ट्वीट को दिखा रहा हूँ, नगर विकास मंत्री जी के किसने कहा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? किसी के खाते के अंदर पैसे नहीं आ रहे। एक्चुअली मैं एयरटेल से हूँ, एयरटेल को महिला ये खड़ी है जो आपके पास आ रही है, 1 साल इनको हो चुका है, पब्लिक पूरी बोल लिया, आप क्या बोलना चाहोगे इस मामले? नहीं, मैं इनसे सर से ये कह रहा हूँ, बैंक वाले कहते हैं कि झूठा क्या कहा। नहीं नहीं, मैंने सर रुपए आइए ना फोन जा रहा हूँ कि रुपए आ गए नहीं आए। कितने महीने हो चुके? 2.5 महीने हो चुके हैं, कोई पैसा नहीं आया। कितना आप दे चुके हो फीस के लिए? 170-200 रुपया दे चुके। कोई पैसा नहीं आया? कोई पैसा ना 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 बैंक वाले जाकर भगा देते हैं, बैंक वाले भगा देते हैं कहते हैं पर्ची लेके आओ, और जो पहिया आओ तो पर्ची देते नहीं है, ये पर्ची देते नहीं देते हैं, खैर वहाँ पे जाओ पर्ची लेके आओ। जैसा कि आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ फर्जी बाड़ा चल रहा है, स्मार्ट इंडिया तो बनाया जाता है लेकिन उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं। क्या है पूरा मामला? आप यहाँ पर आए, क्या यहाँ पर आए और यहाँ वाले बैंक में भेजे, बैंक वाले ने भगा दिया और नंबर ये दिया, इससे बात भी नहीं करते, यहीं पे मिला। ठीक है, अब नंबर दिया, बात नहीं हो पाती, नहीं बात नहीं हो पाती। बैंक में बैंक वाले कह रहे मुझे सरदर्दी मत करो, लोन किसी का नहीं पास। बैंक है ये सूर्य शर्मा नगर।
आपने जाके पूछा कि हम अपना पैसा मांगना है तो सर दर्दी होती है। हाँ नहीं बोले, हट जाइए, मेरा दिमाग मत खराब करिए, हट जाइए। क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में जो बैंक वाले भगा दे रहे हैं आप लोगों को, इतने महीना परेशानी में हो चुके, क्या कहना चाहोगे आप? अरे क्या कहोगे, ये मान लो गरीब आदमी का कोई काम सुनवाई नहीं होती है, यही कहते हैं कि तुम जहाँ से बनवा के लाए वहीं पर देखो जाके। कितना टाइम हो चुका आप लोगों को यहाँ पर? 5-6 महीने हो चुके हैं। 5-6 महीने से कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, वो तो लक्कार देंगे, जाओ अपने घर पर। क्या कहना चाहोगे आप? अब बात ही नहीं कर रहे हैं, जाओ तो भगा देते हैं, कहते हैं हमारे सर दर्दी मत करो। अच्छा, हाँ, कहते सर दर्दी साहब, मेरे लगा खा ठेला कर रहे हैं बस। कहाँ पर? दबाऊ में और त्रिपटाई पे सिद्ध विनायक के बराबर में, उस पर ठेला लगाए, सब लोग लगाए हैं, लेकिन सबके उठा लिए ठेले, सब ले आए, भर के ले आए, निगम वाले गए थे, आइसक्रीम गई थी, पूरी उठा लाए और डंडे पे जाए, उन पर सामान सट्टाई फेंका। क्या नाम है उनमें साहब? मेरा नाम जगमोहन है। हाँ, और उनमें साहब सामान फेंका, डंडे मारे। किसने सामान फेंका, किसने डंडे मारे? यही नगर निगम के कर्मचारी ने आपको डंडे बरसाए? डंडे बरसाए रहा और ठेला लगाने दे रहे हैं, कह रहे 5,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। 5,000 जुर्माना पड़ेगा जी? तो आपने पूछा नहीं, आप ठेले जा रहे हो तो आपने जो डंडा क्यों मारा? इतना मौका नहीं दिया था उन्होंने। कितने जने थे वहाँ पर जो ठेले आगे बैठ रहे? सभी थे साहब। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, जो आपके ठेले उठा लिए गए नगर निगम ने, सरकार ने, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाह रहे हैं? 10,000 रुपये लोन देने को कह रही है गवर्नमेंट से, या नगर निगम में कैंप भी लगा हुआ 10,000 रुपये लोन लेने का, गरीबों का साथ और एक तरीके का गरीब, अरे गरीबों को उजाड़ रहे हैं ये लोग, और क्या कर रहे हैं साहब? या तो लोन भी ना दें, अगर लोन देने की कारोबार करें, फिर लोन कहाँ से देगा, वापस कहाँ से करेगा वो मजदूर आदमी, मुझे बताइए। जब लोन ले भी लेगा गवर्नमेंट से, लोन दे रही 10,000 रुपये का, वो कमाएगा कहाँ से, जब उसकी उसका स्थानीय मतलब जो रोजगार ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को वापस कहाँ से करेगा, ये बताइए आप। क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि वापस कहाँ से देख लाने रहेंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम, बताइए आप। या तो हमें दुकान दिया जाए या कोई रोजगार दिया जाए। नगर निगम में सारी मतलब पोर्टेबल दुकानें दी गई सब जगह, समझे नहीं, लेकिन हम लोगों को वंचित क्यों किया गया उससे? अगर यहाँ से आपका नगर निगम आपका ठेले वापस नहीं करता, आपका रोजगार वापस नहीं करता, आपका आगे कदम क्या होगा? आगे कदम क्या होगा साहब, बताइए। होगा हमारा ये, हम तो ये चाह रहे हैं जितने भी ये बरेली के दुकानदार हैं, सारे दुकानदार मतलब ठेले वाले मजदूर वाले, एक बहुत बड़ा करके JVC गड्ढा करवाया जाए, उसमें इन लोग को सारा दबा दिया जाए आराम से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों उसमें सब दब जाएंगे आराम से, गाड़ियाँ खड़ी होती रहेंगी और कोई परेशानी नहीं होगी किसी के लिए। ये 10,000 रुपये के लिए दिया था लेकिन आज तक नहीं मिला इसके चक्कर, और जो दाल रोटी चल रही हमारी दुकान भी उठा के लिया ले आए नगर निगम में। अरे हमें दुकान को सिटी न्यूज़ के जरिए आप अधिकारी से क्या कहना चाहोगे? अधिकारी साहब से ये कहेंगे, मेयर साहब से, बस एक बहुत बड़ा गड्ढा करवाएं, उसमें जितने भी गरीब हैं, सारे गरीब, एक एक करके गरीब, उन्हें सारा उसमें गरीबों को बच्चों समेत दबा दिया जाए, मैं परिवार समेत उसने दबा दिया जाए, और फिर उसके बाद में उन पर आराम से गाड़ियाँ खड़ी करें, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस। आपने देखा कि इनका कहना है जब हमारे ठेले ले गए तो नगर निगम साहब से इनका कहना है कि एक गड्ढा कराया जाए पूरा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बीवी बच्चों सबको दबा दिया जाए, जाके आराम से इनकी गाड़ी खड़ी हो पाए और सब लोग आराम से रह पाए। देखते रहिए सिटी न्यूज़, मैं शुभम चंद्रा, बरेली। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का साल 2022 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी अपने विस्तार में लगी हुई है। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हर विधानसभा में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। धर्मवीर सिंह एडवोकेट। आज मीटिंग रखने का क्या हमने एक विधानसभा सभी विधानसभाओं की सर्वे और उनकी समीक्षा के लिए जिलाध्यक्ष द्वारा एक 5 लोगों की सदस्य कमेटी बनाई गई है, जो कि समीक्षा करेगी हर विधानसभा वाइज की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा अपनी टीम कोर टीम बनाई गई है, उसमें कौन से प्रकोष्ठ में कौन कौन से सदस्य बनाए गए हैं, उनके वार्ड में कौन कौन से सदस्य बने हैं, उन पूरी समीक्षा के आधार पर कि उनका क्या कार्य है अब तक क्या नहीं है। इसलिए आज शहर विधानसभा जो कि यहाँ पर यहाँ की विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा राज भारद्वाज जी हैं, उनके कौन सी टीम क्या है क्या नहीं है उसकी समीक्षा की गई। तो उसमें अभी देखा है कि उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग नहीं भी आए हैं, लेकिन जो बनाए गए हैं अभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके द्वारा भी अभी टीमें तैयार नहीं हुई हैं, वो भी कर रही हैं,
बार्ड वाइज भी अभी तैयारी चल रही है उनकी, अभी वो टीम खड़ी नहीं हो पाई है, वो धीरे धीरे सभी कर रही हैं, उसी की समीक्षा की गई और उसी वजह से वहाँ पर सभी जो सदस्य जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो सदस्य शहर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए हैं वही लोग आए हैं, आज कोई जनरल मीटिंग नहीं है, वही सदस्य लोग आए हैं जिनको इन्होंने बनाया है, नियुक्त किया है, चाहे अध्यक्ष, चाहे सचिव, चाहे महामंत्री, जो भी हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। रामलीला गौटिया के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिछले काफी समय से रामलीला गौटिया में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया जिसमें मांग की है कि उनकी समस्या का निदान किया जाए। आपका स्वागत है, मैं शुभम चंद्रा। हम खड़े इस समय डीएम साहब के ऑफिस के बाहर, जहाँ पर रामलीला गौटिया बरेली के रहने वाले कुछ महिला और पुरुष अपनी परेशानी लेकर डीएम साहब के वहाँ आई है, जिनका कहना यह है कि वहाँ के पार्षद और दरोगा रिटायर ने गुंडागर्दी दिखा के गली का पानी, रोड सब कुछ बंद कर दिया। कलेक्ट्रेट आए महिला व पुरुषों ने क्षेत्र में रह रहे दरोगा व मौजूदा पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हम लोगों को काफी परेशान करते हैं, जरूरत की चीजें हम तक नहीं पहुंचने देते और हमारे दरवाजे पर गंदगी डलवा देते हैं। कलेक्ट्रेट आई महिला ने आरोप लगाते हुए कहा। आइए जानते हैं महिला से क्या समस्या उनकी। क्या नाम है आपका? पारो। क्या मामला है जो आप डीएम साहब का ज्ञापन देने आई है? हमारा मामला ये है कि हमारे 1000 का गाँवों का पानी वहाँ से आता है सबका। कौन सी जगह? हेडमैन स्कूल रामलीला गौटिया। ठीक है। और पानी भी नहीं निकास दे रहा वो, और ना ही हमारा रोड पास होने दे रहा है। कौन? और चुंगी की जगह है वहाँ पे, दरोगा है वो, कोई मतलब वही है, क्या बोलते हैं, रिटायर हुए हुए हैं वो। हाँ, और जब हमने उनसे करा तो उन्होंने ऊपर जाके फायरिंग करी, घर से उन्होंने फायरिंग करी। और जब भी कुछ करो तो दबा लेती है, पुलिस भी आती है तो पुलिस को पैसा भर देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भर दिया उन्होंने। चौकी लगती है आपकी? ये इधर लगती है अशरफ खान छौनी। हाँ, आपने इस मामले में चौकी पे एसएसपी में कहां का कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई अभी तक? काफी जगह कंप्लीट कर चुके हैं, रिपोर्टिंग भी पहुंच चुकी है। क्या करी संतोष यंगवार, क्या करी और वहाँ पर करी, नगर निगम में करी, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। टाइम हो गया इस मामले को, गली में पानी एक महीने से ज्यादा हो चुका है, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, और हम लोगों को दिक्कत हो रही है। और हमारा रोड हमें चाहिए और हमें पानी के लिए बस निकास चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, इसका पानी किसने बंद किया? हाँ, दरोगा ने बंद करवाया। दरोगा ने बंद किया? हाँ, क्या बंद करवाया? ऐसी बंद करवा दिया, दिवाली जगह घेर रखी है, शौचालय बना रखा है और दीवारें खड़ी कर दी है, दीवारों वाले सब खड़ी कर दिए। अब जब हम लोगों ने पानी को कहा तो कह रहा है। क्या नाम है आपका? रुखसाना। क्या मामला है पूरा? इधर उधर उन्होंने पहले ही बगियों में पानी काट रखा था, अब जो बगिये वाले हैं वो लोग भी परेशान है, तो जो मेन रास्ता थी उन्होंने उस पर शौचालय बना के खड़ा कर रखा है। अब हमारा कहना ये है जो हमारी मेन रास्ता हमें वो चाहिए, उन्होंने उस पर शौचालय बना रखा है, जो नाली है हमारी रास्ता है। अब नगर निगम के हिसाब से रास्ता बन भी रही थी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने वहाँ पर रोक रखे, जो खरंजा था पुराना वो भी उखड़वा दिया और उसने बीच में का खरंजा उखेड़ के उस पर अपना शौचालय बना लिया है। अब हमारी जो नाली गहरी होती भी जा रही नगर निगम के द्वारा, हमारा हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन वो अब करने नहीं दे रही है, कह रही है यहाँ से रास्ता बंद है। जब रास्ता बंद करने दे रहा है वो दरोगा, जो रिटायरमेंट दरोगा है, सभासद अशोक गंगवार, वो भी कुछ नहीं कह रहा है। सभासद उसी में मिला हुआ है, दरोगा के साथ कहता है, कहता है कि हम चाहे हम बात करें आए, वो बात करने के बाद उसी में घुस जाता है, वो लिया नस्बत और भाग गया, उधर से घूम का जाता है। वो ये सभासद निकल रहे हैं, उसमें पानी निकल के जा रहा है तो बंद क्यों कर रहे हैं? पानी पुरानी जगह है वो, तो अभी से थोड़ी है। आपने जब इसके अधिकारी से शिकायत की तो वहाँ से क्या कहना थाने तो सर कोई सुनी नहीं रहा है, तो इसी मारे यहाँ पर आए हैं। बताओ क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी उल्टा पानी थोड़ी लेगा, अपने घरों में गड्ढे थोड़ी खोदेगा, वो तो कह रहा घरों में गड्ढे खोद लो। यहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे आपका फैसला क्या है? क्या फैसला जो होगा फिर देखी जाएगी, फिर क्या करें? नखलाऊ तलक गई है, हमें तो अपना हक चाहिए सर, हमें जहाँ पर भी जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं, ना किसी का रास्ता ले रहे हैं। घरों का पानी बंद कर दिया, कम से कम 1000 जी, हिंदू मुसलमान हम लोग सब हैं, हिंदू मुसलमान सब। क्या नाम है आपको? क्या आपके घर का मामला 1 महीना हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं? पानी का समस्या है, पानी का समस्या है, पानी बंद कर दिया गया। और रास्ता भी वही थी सर, रास्ता भी वही थी, रास्ता ही बंद कर दी उन्होंने। नहीं सर, अब उनका कहना ये है कि उल्टा पानी करेंगे, जो हमारे आधे आधे घर है वो डूब रहेंगे, तो हम लोग गरीब इंसान है, अब हम लोग जो जैसी पड़ावा हम संभलवा नहीं सकते। आप शिकायत करने बाहर अधिकारी के वहाँ जाती है तो फायरिंग करके डराता कौन है? दरोगा का लड़का था सर, वीडियो भी है उसकी, वीडियो है। पुलिस आई तो पुलिस ने भी कहा कि आपके लगे
लगी आपके लगी, जब लग जाती तब पुलिस सुनती हमारी, पुलिस हमें डरा रही उल्टा कि आपके लगी गोली, और जब वो फायरिंग कर गया तो फिर बचने के लिए कुछ न करना पड़ेगा। पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जब फायरिंग क्यों कर रहा है, जब उन्हें फायरिंग करी तो हम लोगों ने अध्यक्ष चलाया, बात ये हुई। जैसा कि आपने देखा कि खुला गुंडाराज चल रहा है, यहाँ पर फायरिंग करी जा रही है लोगों के ऊपर, अगर शिकायत करने जाते हैं ना अधिकारी के वहाँ से कोई सुनवाई होती है, ना डीएम साहब को आज ये ज्ञापन लेना है, अगर यहाँ से भी इनकी सुनवाई नहीं होती तो ये लखनऊ जाके आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ, मैं शुभम चंद्रा बरेली। प्रभा टाकिज रोड पर नगर निगम टीम ने चलाया अतिक्रमण, वहां लगे खोके हटवाए बेरोजगार हुए लोगों ने नगर निगम के आला अफसर को दिया ज्ञापन। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सड़क किनारे लगे अवैध ठेलों को और खोकों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अतिक्रमण टीम ने प्रभा टाकिज पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया, जिससे नाराज लोगों ने नगर निगम में आकर उच्च अधिकारियों को एक शिकायती पत्र दिया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज भारतीय राष्ट्रवादी दल ने किला नदी पर भूमाफियाओं द्वारा अधिग्रहण किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आज समस्त कार्यकर्ता राष्ट्रीय प्रमुख अमित राठौर की अगुवाई में सेठ दामोदर पार्क में एकत्र हुए, जहां से पैदल मार्च निकालकर समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। अमित राठौर ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन पढ़कर सुनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किले नदी पर भूमाफियाओं द्वारा नदी का पटान कर नदी को विलुप्त करने का कार्य किया जा रहा है। भूमाफियाओं ने नदी को पूर्ण रूप से अवैध कब्जे कर अधिग्रहण कर लिया है, परंतु शासन व प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ज्ञापन में भूमाफियाओं पर कठोर कार्यवाही की मांग के साथ साथ भूमाफियाओं की गिरफ्तारी, नदी की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने एवं नदी का पुनः उद्धार करने संबंधित मांगों से अवगत कराया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित राठौर है। क्या समस्या लेके आप ज्ञापन देने डीएफ साहब का आ रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि किला नदी को लोग कुछ लोग उसको पटान कर रहे हैं, ठीक है, और गलत तरीके से ज़मीन बिक्री कर रहे हैं, और हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी से मांग करने आए हैं कि जो किला नदी है जो नदी ना रह करके नाले का रूप ले चुकी है, जिससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न भी हो रही हैं, आम आदमी के जनमानस को जान को खतरा बना हुआ है, और ये जिहादी तत्व जो हैं जो ज़मीन को पाट करके नदी को पाट करके वहाँ ज़मीन विक्रय कर रहे हैं, और जो लोगों के संग धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन जो लोग वहाँ मकान बना लेंगे आने वाले समय में जब बरसात होगी वहाँ नदी में जब पानी आएगा तो मकान वो ढह जाएंगे, और जो मकान ढह जाएंगे उनके ऊपर पूरा जो ढिंडोरा जो सरकार के ऊपर पीटा जाएगा और मुआवजे की मांग की जाएगी। तो अभी से अगर इस पे लगाम लग जाएगी तो ये चीज़ होने से रुक जाएगी, और हम लोग जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो लोग नदी का पटान कर रहे हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, उनको मुकदमा पंजीकृत किया जाए और नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और नदी का उद्धार किया जाए, ताकि नदी नदी रह जाए, तालाब नाले के रूप में ना रहे, क्योंकि वही नदी आगे जाके गंगा में मिल रही है जिससे प्रदूषण हो रहा है, और एक तरफ योगी जी केंद्र सरकार और राज्य सरकार नदियों को साफ करने पर अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है, वहीं इन जैसे लोग नदियों को दूषित।